जय महाकाल दोस्तों, मैं बंटू शर्मा यूट्यूब के माध्यम से। यह जो आप वृक्ष देख रहे हैं, यह अश्मंतक, यमलपत्र, झिंझोरा आदि नामों से यह जाना जाता है। यह अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली दिव्य वनौषधि वृक्ष का पेड़ है। यह देखने में बिल्कुल कचनार के पौधे के समान दिखता है। यह कचनार के ही कुल की प्रजाति है। इसका अधिकतर प्रयोग आदिवासी जन जो कि मधुमेह में और उसके बाद में अतिसार में, उसके बाद में आपका पीलिया में और गांठों के दर्द में, और जिनका गांठ पड़ जाते हैं बदन में कहीं कहीं पे, उसके प्रयोग के लिए इसके छाल का प्रयोग करते हैं। इसके छाल और पत्रों को अगर पाउडर बना करके नियमित अगर खाली पेट अगर सेवन किया जाए तो यह शरीर के जो घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द है उसमें भी आराम देती है, और दूसरा कि मधुमेह को भी यह कंट्रोल करता है। यह बहुत ही अजमाया हुआ पौधा है और इसके प्रयोग भी हम लोग करते हैं और आदिवासी जन भी बहुत से प्रयोगों में इसको लाते हैं। जैसे कि अगर पीलिया हो तो पीलिया में भी इसके जड़ के छाल के साथ गिलोई के टुकड़ों को मिला करके पाउडर बना करके देते हैं, जो कि यह जॉन्डिस में भी बहुत अच्छा काम करता है। और जो कि शुक्राणुओं की कमी जिन्हें हो जाती है, उन्हें भी इसके पत्रों का पाउडर बना के मधु के साथ उनका सेवन कराते हैं लोग। कई कई जगहों पर इसके तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं, जो कि नवरात्र में या चैत्र नवरात्र में इसके पत्तों को एक स्वर्ण पत्र मान करके इसे दिया जाता है कि जीवन में कभी दरिद्रता और किसी तरह की धन का अभाव ना रहे जीवन में, ऐसा लोगों का मान्यता है। और लोग इसे पूजन कार्यों में भी उपयोग में लाते हैं, हवन कार्यों में भी इसका प्रयोग होता है। कई कई लोग इसके जड़ों को भी धारण करते हैं, जो कि कई तरह के रोगों से बचाने हेतु भी इसका जड़ का धारण करते हैं लोग। इसके साथ में गिलोई के जड़ को साथ में लेकर के और ये नवरात्र के समय इसे जंत्र में डाल के धारण भी किया जाता है। कहते हैं कई रोगों से भी यह बचाव करती है। तो इसका प्रयोग बहुत तरह से किया जाता है, जैसे कि आधा सीसी दर्द में भी अगर इसके पत्तों का पाउडर करके इसे हल्के गर्म पानी के साथ इसमें दो चार लौंग डाल के अगर इसको सेवन किया जाए तो यह आधे सीसी के दर्द में भी बहुत आराम दिलाता है। ये खुद का आजमाया हुआ है और बहुत बार आजमाया है। कहीं कहीं पर किसी व्यक्ति को कुछ खिला पिला दिया जाता है, जो कि मंत्रों के द्वारा भी मंत्रित करके, तो इसके जड़ के छाल और इसके पत्तों का चूर्ण बना करके कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिसके द्वारा भी मंत्रित करके उन्हें खिलाया जाता है, जो कि कुछ ही देरों बाद वह जो है वोमिटिंग के द्वारा, उल्टी के द्वारा वो बाहर आ जाती है, जो भी सामग्री है वो बाहर आ जाती है। ऐसा प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी करते हैं और प्रमाणित प्रयोग है कि यह बहुत सारे रोगों में भी यह काम आता है। अश्मंतक, यमलपत्र, जो जिसे झिंझोरा भी, बहुत आदिवासी क्षेत्रों में इसे झिंझोरा करके ही जानते हैं, यह बहुत से रोगों में भी कार्य करता है। और भी कई ऐसे वीडियो हैं जो आप सबों के बीच में प्रस्तुत करूँगा। इन सभी वृक्षों का आप रोपण करें, इन वृक्षों से अपना लाभ उठाएँ, क्योंकि यह बहुत से ऐसे वनस्पतियाँ हैं जो कई रोगों में कारगर कार्य करती है, पर इसका ज्ञान नहीं होने के कारण हम लोग इसके लाभों से वांछित हो जाते हैं। तो इन सभी पौधों का पहचान करें और इसे अपने जीवन में उतारें। मैं आशा करता हूँ हमारा यह वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो। और भी कई ऐसे वीडियो जो कि तंत्र और मंत्र के द्वारा भी मंत्रित करके दिया जाता है, कई जड़ों को, कई छालों को, कई पत्तों को, जिससे कि वह गजब का कार्य करती है और कई गुना अधिक तेज़ी से भी काम करती है। मैं अधिकतर तंत्र में मंत्रों का भी प्रयोग करता हूं, जो कि वनस्पतियों के द्वारा, और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आता है, जो कि अगला जो भी वीडियो मैं डालूंगा वनस्पति तंत्र के ऊपर भी मैं कुछ चर्चा करूंगा, जो कि वनस्पतियों के साथ मंत्रों का भी प्रयोग होता है। अगला जो भी मैं मंत्र डालूंगा वो गण मंत्र है। गण मंत्र के बाद कौन कौन से मंत्र चलते हैं उनके बारे में भी विशेष मैं वीडियो बनाऊंगा आप सबों के बीच में। अब जो भी ज्ञान है, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है सच्चे, जो भी जानकारियाँ, वो आप सबों के बीच में प्रस्तुत करूँगा। और कुछ ऐसी डायरियाँ हमारी कंप्लीट हो रही हैं, जो कि बंगाली मंत्रों के और बहुत सारे ऐसे गुप्त मंत्रों के,
जो कि किताबों को प्रकाशित किया जाएगा, जो कि सच्ची साधनाओं के नाम से यह प्रकाशित होगी। आप सबों के बीच में प्रस्तुति लेकर आऊँगा और आशा करता हूँ आप ऐसे ही अपना स्नेह और प्यार मुझ पर बनाए रखें, जो कि मैं आप लोगों के बीच में सही जटिल से जटिल जो भी साधनाएं हैं, सच्ची साधनाएं हैं, आप सबों के बीच में प्रस्तुत करता रहूं। तो आशा करता हूं, जय महाकाल, जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा।